आप कुछ गलत भी कर रहे हो ना, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा समाज के अंदर, ना किसी समाज को फर्क पड़ रहा है, ना किसी गवर्नमेंट को फर्क पड़ रहा है, ना किसी एजेंसी को फर्क पड़ रहा है, ना किसी संस्था को फर्क पड़ रहा है, ना किसी बंदे को फर्क पड़ रहा है, सिवाय तुम्हारी फैमिली के। जी भी वही रही है, और तुम्हारे कुछ होने के बाद, तुम्हारे कुछ करने के बाद परेशान भी वही होगी। क्यों यार, नीट ही लास्ट ऑप्शन थोड़ी है कि नीट के अलावा दुनिया में कुछ भी नहीं है, डॉक्टर बन के पर सब कुछ पाएंगे, नहीं यार। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज अपन इस वीडियो में बात करते हैं कि जो आप देख रहे हो नीट 2024 स्कैम। इस साल पता नहीं नीट में ऐसा क्या हुआ है कि जिस बंदे को उम्मीद थी कि अब की बार मुझे कॉलेज मिल जाएगा, 630 40 50 60 से बिलो वाले की उम्मीद थी मुझे कॉलेज मिल जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज, उसको कोई भी चांसेस नहीं दिख रहे कि मुझे कॉलेज मिल जाएगा। अब कुछ कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, कुछ कह रहे हैं कि बोनस दिया है, कुछ कह रहे हैं कि क्या पता नहीं क्या चल रहा है। हर कोचिंग वाला बंदा खुश है, हर कोचिंग का ओनर खुश है कि हमने तो नीट एयर फर्स्ट दिया है। बट जो बंदे दुखी है, जिन बंदों का स्कोर अच्छा है, बेसिकली लास्ट ईयर अच्छा है 650 तक, बट वो अंदर ही अंदर गुड रहे हैं कि अब मुझे क्या करना है। इतनी मेहनत की उसने, पूरी साल मेहनत की, नीट का एग्जाम दिया 5 मई को, बंदा घर पे आया, आंसर की चेक की उसने, बंदा बहुत खुश हुआ कि 640 मुझे कॉलेज मिल जाएगी, 630 मुझे कॉलेज मिल जाएगी, 650 मुझे कॉलेज मिल जाएगी, और 670 वाला था मुझे अच्छी कॉलेज मिल जाएगी। हर को खुशी होती है, बट जैसे रिजल्ट आया सब खुशियों पे पानी फेर जाए एनटीए ने। तो देखो मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं हूँ इस मुद्दे में, देखो पता नहीं एनटीए क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा, लेकिन बस इसका सॉल्यूशन एक ही है कि आने वाले जो भी फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, जो नीट अगले साल होगी, उसके लिए बस एक ही बेस्ट सॉल्यूशन है कि एनटीए इस पेपर को कंडक्ट नहीं करवाए। इसके अलावा इसका कोई उपाय नहीं है। जब से एनटीए आया है हर पेपर में फर्जीवाड़ा हो रहा है, कटो दिन ब दिन बढ़ रही है। तो बेस्ट उपाय यही है कि जो प्रॉब्लम है ना उसको कोच को खत्म कर दें। तो बेस्ट उपाय इसका यही है कि एनटीए को पेपर करने से ही बंद कर दें, वापिस सीबीएसई आए अपना पेपर लें। और देखो ये वीडियो बना रहा हूँ बस एक मुद्दे पे कि जो आप देख रहे हैं अभी डेली अखबार में न्यूज़ आ रही है, न्यूज़ पे सोशल मीडिया पे एक ही बात आ रही है कि पता नहीं बच्चे इतने डिप्रेशन में आ रहे हैं और अपनी जीवन समाप्त कर रहे हो। क्यों यार, नीट ही लास्ट ऑप्शन थोड़ी है कि नीट के अलावा दुनिया में कुछ भी नहीं है, डॉक्टर बन के पर सब कुछ पाएंगे, नहीं यार। मानता हूँ डॉक्टर बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत अच्छी प्रोफेशन है, बट ऐसा भी नहीं कि डॉक्टर नहीं बनोगे तो आप कुछ नहीं बन पाओगे। जो आप अपन यार अपनी लाइफ ही खत्म करने के लिए हो, डिप्रेशन में आ रहे हो, कुछ भी माइंड में सोच रहे हो, कुछ भी कर रहे हैं लोग बाग, क्यों यार नीट लास्ट ऑप्शन थोड़ी है। एक बार आप अपने आप गूगल पे डाल लो कि इंडिया के टॉप 10 सक्सेसफुल पर्सन, उसमें कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है। तो ये थोड़ी ना है कि डॉक्टर बन के ही आप सब कुछ लाइफ में पाओगे। ये नहीं कह रहा डॉक्टर लाइन खराब है, नहीं अच्छी है नो डाउट, लेकिन कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ रहा है और तुम पता नहीं इतना सोच रहे हो, डिप्रेशन में आ रहे हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। डेली अपन देख रहे हैं, हर साल देख रहे हैं, आज अभी 3 दिन पहले भी 3 दिन तक रेगुलर देख रहे हैं अपन कि कोटा में हुआ, राजस्थान में, हर जगह है, मतलब बहुत जगह है जो कुछ अपन पता भी नहीं है, लोग बात अपनी लाइफ खत्म कर रहे हैं। क्यों यार, नेगेटिव लास्ट ऑप्शन नहीं है। वो सोच रहे हैं कि मैं फैमिली को क्या जवाब दूंगा, मैं समाज को क्या जवाब दूंगा। देखो जो भी बंदा या जो भी मेरा छोटा भाई बहन एग्जाम दे रहा है, उसके माइंड में नेगेटिव थॉट आ रहा है और वो कुछ गलत कदम सोचने करने की सोच रहा है, देखो उसमें नुकसान किसी का नहीं होगा, ना किसी कोचिंग का हो रहा है, ना किसी समाज का हो रहा है, ना किसी तुम्हारे आस पड़ोस का हो रहा है। नुकसान हो रहा है बस खुद का और अपनी फैमिली का, जो अपनी फैमिली अपने बिलीव करती है उसको अपन, मतलब उसका गला घोट रहा है अपन, गलत कदम उठा के अपन चल जाते हैं कुछ गलत कदम करके, लेकिन जो पीछे फैमिली रहती है उसका क्या होता है वो तुम सोचते नहीं। यार डॉक्टर लाइन सब कुछ थोड़ी है, और भी मेडिकल फील्ड है अच्छे अच्छे, एमबीबीएस के अलावा और भी फील्ड अच्छे हैं जहां तुम अच्छा कर सकते हो, मेडिकल के अलावा और भी फील्ड है, आईआईटी में जा सकते हो, यूपीएससी कर सकते हो, सिविल सर्विस कर सकते हो, बट तुम पता नहीं क्या यार बिल्कुल माइंड में नेगेटिव थॉट ला के अपनी जिंदगी खत्म कर रहे हो। क्यों नहीं ऐसा नहीं करना, और मेरी पेरेंट्स भी ये गुजारिश है कि अपने बच्चे से बात करो, उस पर प्रेशर नहीं कि उसको नीट ही करनी है, उसका पूछो कि क्या उसकी इच्छा है, उसको क्या करना है।
यार पेरेंट्स भी पता नहीं इतना क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं बच्चे, नहीं तो नीट ही कर, नीट ही कर, नीट ही कर। यार ऐसा नहीं है कि नीट सिलेक्शन होने के बाद लाइफ सेट हो जाएगी, नहीं है। हमें पूछो, नीट के बाद सिलेक्शन होने के बाद भी बहुत बड़ा स्ट्रगल स्टार्ट होता है, ये तो कुछ भी नहीं है। बाद में हर दिन स्ट्रगल है, MBBS पूरे 5 साल मेहनत करनी पड़ती है, फिर बाद में PG के लिए स्ट्रगल, हर चीज में स्ट्रगल है। और अब तो नेक्स्ट भी आ रहा है, तो वहां भी तुम्हें चैन से चैन की नींद तो तुम्हें नहीं आएगी, तो तुम अभी इतना टेंशन में आकर तुम उठा रहे हो। हर इस फील्ड में हर दिन, हर वक्त, हर घड़ी, हर घंटे, हर मिनट कॉम्पिटिशन है, स्ट्रगल है। तो ऐसा नहीं कि तुम नीट का पेपर देख रहे हो, कट ऑफ हाई जा रही है, तुम डिप्रेशन में आ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, गलत बात है यार, ये नहीं होना चाहिए। आप मैं छोटे बहन भाई हूँ, हमें पता है कि हम भी चीज़ से गुजरे हुए हैं, बट क्या करें, सिस्टम ही ऐसा अपने इंडिया का, क्या करें, कोई क्या कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। आप कुछ गलत भी कर रहे हो ना, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा समाज के अंदर, ना किसी समाज को फर्क पड़ रहा है, ना किसी गवर्नमेंट को फर्क पड़ रहा है, ना किसी एजेंसी को फर्क पड़ रहा है, ना किसी संस्था को फर्क पड़ रहा है, ना किसी बंदे को फर्क पड़ रहा है, सिवाय तुम्हारी फैमिली के। जी भी वही रही है, और तुम्हारे कुछ होने के बाद, तुम्हारे कुछ करने के बाद परेशान भी वही होगी। नीट में नंबर कमा रहे तो कोई बात नहीं यार, और फील्ड देख ले, अच्छा मिल जाएगा। सारे डॉक्टर सक्सेसफुल नहीं है, तो सारे सक्सेसफुल बने डॉक्टर नहीं है, तो क्यों कुछ अच्छा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, एक साल लेट से कोई दिक्कत नहीं, नीट में नहीं हो रहा तो दूसरा फील्ड चूज कर लो यार, वहां कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये लाइफ खत्म करना कोई सोल्यूशन नहीं है। और अभी मैं सर से मिल गया था, मेरे से अभी 2-5 दिन पहले, उन्होंने एक ही बात बोली मुझे, विजय तुझे लाइफ में बहुत कुछ आगे अवसर मिलेंगे, ये तुझे क्या करना है, लेकिन वही अवसर चुनना जहाँ तेरे पीस ऑफ माइंड हो। ऐसा नहीं कि तू कोई ऐसा प्रोफेशन चुन रहा है जिसमें तू दिन रात लगे पड़ा है, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे रहा है, खुद का दिमाग खराब कर रहा है, सुबह शाम बस काम काम काम। नहीं यार, लाइफ है, एक बार मिलती है, हर चीज़ के लिए टाइम देना पड़ता है, माइंड को एकदम शांत रखना पड़ता है। अपन बस पता नहीं नीट निकाल लें, वो निकाल लें, उसका हो गया, मेरा नहीं हो रहा, उसका नहीं हुआ, मेरा हो गया, मेरे नंबर कम आ रहे, उसके इतने नंबर आ रहे। नहीं यार, ये लाइफ थोड़ी है, लाइफ ही नहीं, लाइफ है एकदम अपनी जिसमें खुशी है वो काम करो। 24 लाख बच्चे, 25 लाख बच्चे नीट का एग्जाम दे रहे हैं, सीटें तो 1 लाख के समथिंग है पूरी गवर्नमेंट प्राइवेट, बाकी 23 लाख बच्चे तो वैसे भी सिलेक्शन नहीं होना है। तो अपने को जब हकीकत पता है कि 24 लाख में से 1 लाख बंदे को सीट मिलेगी, बाकी 23 लाख बंदे तो वैसे भी सिलेक्शन नहीं होगा, तो फिर क्यों अपने को पता आज ये बात, तो अपन क्यों फिर टेंशन ले रहे हैं यार कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, 23 लाख बच्चों को तो नहीं होगा वैसे भी। बट कुछ गलत सोच के अपन गलत कदम उठा रहे हैं, नहीं ये गलत है, और कुछ कर लो यार, और प्रोफेशन अच्छे हैं, मेडिकल फील्ड में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोफेशन है जहाँ तुम अच्छा कर सकते हो, अलग अलग फील्ड है। तो यही बात है मेरी पेरेंट्स से भी और बच्चों से भी, कि माइंड में कुछ नेगेटिव मतलब कुछ अच्छा कर लो, और भी अच्छी फील्ड है, कर लेंगे अच्छा यार। मैं एक बार फिर बोलूंगा कि सारे सक्सेसफुल पर्सन डॉक्टर नहीं है, और सारे डॉक्टर सक्सेसफुल पर्सन नहीं है, और स्ट्रगल आज भी है, नेट में भी है, MBBS में रहेगा, नेट PG या नेक्स्ट में भी रहेगा, और बाद में डॉक्टर बनने के बाद भी डॉक्टर्स के बीच में कॉम्पिटिशन रहेगा। ये बात नहीं है कि आप बस ये कॉम्पिटिशन के बाद कॉम्पिटिशन नहीं है, हर दिन कॉम्पिटिशन रहेगा यार। हमें पता है, हम अभी MBBS कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन हर चीज़ में है। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि भैया क्या करें, 630 स्कोर है, हमें तो कॉलेज नहीं मिलेगी, हमने मेहनत भी किया, मेहनत सब बंदों ने की है, बट जब सिस्टम अपना इतना बेकार है तो कौन क्या कर सकता है। तो अब देखो, अब दिक्कत ये भी है कि भैया हमारे 650 है, तो हम क्या ड्रॉप लें कि क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो अब तुम इस क्लोज आए हो, मतलब तुमने मेहनत तो बहुत अच्छी की है, तुमने मेहनत बहुत अच्छी की है, तो बस यही ऑप्शन है कि या तो कुछ अच्छा दूसरा फील्ड चुन लो, तुम्हें वहाँ पे अगर तुम्हारी इच्छा हो कोई मेडिकल फील्ड में दूसरा जैसे आयुर्वेद वगैरह वो चुन लो, या फिर तुम ड्रॉप ले सकते हो। बट ड्रॉप दोनों शर्त पे लेना कि मेरा सिलेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी, मुझे नहीं पता, हाँ लेकिन मेहनत में पूरी करूंगा, मेहनत में मेरी पूरी लगा दूंगा, सिलेक्शन हो अच्छी बात है, नहीं हो तो मुझे माइंड में कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने। मैं हर बंदे से एक ही बात बोलूंगा कि तुम किसी चीज की तैयारी कर रहे हो ना, तो अपने माइंड में फिक्स कर लो कि मेरा सिलेक्शन हो नहीं हो मुझे पता नहीं है, और ना मुझे बाद में कुछ सोचना है कि मेरा नहीं हुआ तो अब मैं कुछ बदलूंगा, नहीं, सिलेक्शन हो अच्छी बात है, नहीं हो तो मन में ये बोलना चाहिए कि हाँ यार मैंने मेहनत की थी, ये फील्ड मेरे लायक नहीं, यही बोलना बस। बट माइंड में कुछ नेगेटिव थॉट लाए, कुछ गलत कदम नहीं उठाना। तो मेरा यही है कि देखो एग्जाम हर फील्ड में होते रहते हैं,
कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ रहा है, बच्चे बहुत बढ़ रहे हैं, तो अपने को भीड़ से मतलब नहीं है, अपने को मेनली अपनी फैमिली का अपना ध्यान रखना है कि मेरा सिलेक्शन हो, अच्छी बात है, सब चाहते सिलेक्शन हो, बट किसी कारण से या किसी बेकार एजेंसी कारण से अपना सिलेक्शन नहीं होता है तो अपने को अपनी लाइफ दी एंड नहीं करनी है, अपने को अपनी लाइफ को अच्छा करना है। मल्टीपल फील्ड्स है जहाँ पे लोग अच्छा कर रहे हैं, तो मैं आज तुम्हारे आसपास बहुत सारे फील्ड है जहाँ लोग अच्छा कर रहे हैं, सारे डॉक्टर्स नहीं अपने पास आस पास, बट सक्सेसफुल पर्सन बहुत सारे हैं, कुछ भी बन जाएंगे अपन 10 साल 20 साल बाद में, अपने एक ही चाहेगा क्या सुकून चाहिए उस लाइफ में, सुबह उठूँ सुकून से उठूँ, रात को सोऊँ सुकून से सोऊँ, ऐसा नहीं कि दिन ब दिन टेंशन पर टेंशन, टेंशन पर टेंशन, डिप्रेशन में आ रहे हैं, पता नहीं नाना प्रकार की बीमारियाँ पाल रहे हैं, नहीं आ रही, नहीं ये लाइफ नहीं है, लाइफ ये नहीं है, लाइफ है एकदम सुकून, जिस काम मुझे अच्छा मिल रहा है सुकून मिल रहा है वो काम करूँगा मैं, चाहे वो काम कोई सा ही हो, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई प्रोफेशन बड़ा नहीं होता है, सारे प्रोफेशन अपनी जगह बेस्ट है, ठीक है। तो मेरी उम्मीद यही है बच्चों से और पेरेंट्स से भी कि प्लीज आप में छोटे बहन भाई हैं बच्चों, आप अच्छा करो, नो डाउट सक्सेसफुल हो जाओगे किसी फील्ड में, लेकिन सक्सेसफुल हो जाओगे। पेरेंट्स से भी ये है अपने बच्चों का सपोर्ट करो, उनको टेंशन मत दो यार, बेचारे पहले टेंशन में है, हमें पता है कि क्या गुजरती जब वीडियो सेक्शन नहीं होता है, जब पर तैयारी करें किसी कारण से सिलेक्शन नहीं हो बहुत दुख होता है, तो पेरेंट्स में उम्मीद ये है कि अपने बच्चों का सपोर्ट दो, उनके साथ रहो, खड़े रहो, उनकी हिम्मत बनाओ, उनको पूछो तुझे नीट करना कि नहीं करना है, ऐसा नहीं कि वापस जा कोचिंग कर, नहीं यार ये नहीं है, ये फेयर नहीं है, उनको पूछो क्या करना है, उनको उनको किस में इंटरेस्ट है वो करवा दो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, इज्जत सब जगह है, मेहनत हर जगह है, नाम हर जगह है, स्ट्रगल भी हर जगह है, तो कर लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद है तुम थोड़ा अच्छा महसूस करोगे, और कोई भी डाउट है मुझे कमेंट कर दो, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए हमेशा हाजिर रहेगा, या मुझे टेलीग्राम मैसेज कर दो, या मुझे इंस्टा पे डीएम कर दो, मैं एक्टिव हूँ हर जगह, टेंशन नहीं करना, सक्सेसफुल हो जाएगा कहीं ना कहीं तो, नो टेंशन रहो, ठीक है, मिलते हैं।